आपको दे देता तो ऑफकोर्स आप बस पी डी एफ मांगोगे और चले जाओगे सो दैट इज वाई वी विल ट्राई टू कीप दिस सेशन ठीक है विदाउट पीपीटी होगा ये सेशन नो पीपीटीज मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखते जाऊंगा एंड जस्ट यू है ठीक है तो पहली चीज जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू आपने ये सुना होगा इस डिसीज के बारे में दैट इज योर क्रिंकल लीव लीफ लीव किससे रिलेटेड होता है आपका किससे रिलेटेड मैंगनीज के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड होता है सो so कभी भी मैंगनीज टॉक्सिसिटी कभी भी होती है दैट इज रिलेटेड टू योर क्रिंकल लीफ डिसीज द सेकेंड इज ंग कल्टिवेशन क्रेकिंग कल्टीवेशन ठीक है सो so, क्रेकिंग कल्टिवेशन की जब हम बात करते हैं इट इज रिलेटेड टू विच क्रॉप यह होता है रिलेटेड आपका यह क्रिकिंग कल्टिवेशन होता है देन एक एब्रीवियशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिसर्स करंट अफेयर बहुत न्यूज में था यह ये, ये है आपका डी एम आर टी वॉट इज दिस डीएमआर असोसिएटेड विथ डीएमआर टी इज एसोसिएटेड विथ योअर वॉट कैन एनी बडी टेल डंकंस मल्टीपल रेंज टेस्ट सो बस नाम याद रखना डंकंस मल्टीपल रेंज टेस्ट ठीक है याद रखना यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है देन कम्स यूर फोर्थ पॉइंट ठीक है फोर्थ पॉइंट के बारे में देखेंगे दिस इज रिलेटेड टू अ टर्म दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है सी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड किसने दी थी ये टर्म दिस टर्म वाज गिवन बाय सिडविक किसने दी थी सिड विक ठीक है याद रखना है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अदर देन दिस और दो चार चीजें देखेंगे डिफोलियेशन इज एसोसिएटेड विथ वॉट डिफोलिएशन ऑफ लीव होता है राइट डिफोलियेशन डीफोलिएशन इट इज एसोसिएटेड विथ वॉट पैराक्विट ठीक है पैराक्विट किसमें होता है ये पैराक्विट की वजह से ये एसोसिएटेड टर्म है देन नीम सीड आप सबको पता ही होगा नीम सीड राइट नीम सीड वेन वी टॉक अबाउट नीम सीड हाउ मच परसेंटेज एज अ टिंग होता है नीम सीड में कितना होता है एज अ टिंग कितना होता है आपका परसेंटेज जीरो पॉइंट टू परसेंट टू जीरो पॉइंट थ्री परसेंट आई होप कि ये आपको पता हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ठीक है नीम सीड के बारे में भी यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग ये यहां पर किसने इन्वेंट किया था

डेस्टेन ही हैज कॉइन मल्टी स्टोरे क्रॉपिंग ठीक है मल्टी स्टोरे ठीक है इन्होंने यहां पर मल्टी स्टोरे क्रॉपिंग यहां पर ही वॉज द पर्सन हो गया हो मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग देंट कम्स द नाइन पॉइंट ठीक है ये हा दिस मार्केट इज गुड ठीक है देन कम्स पैरल क्रॉपिंग हु पर्सन गेव द टर्म पैरल क्रॉपिंग येस सक्सेना ये नाम याद रखना ही वॉज द पर्सन हु गेव फर्स्ट टाइम पैरल क्रॉपिंग ठीक है कमेंट सेक्शन में आप यस येस जेदासन वेरी गुड वेरी गुड टेन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे विच इज रिलेटेड टू अ क्रॉप ये किसकी वैरायटी आपको बताना है गोल्डन क्रॉप किसको कहा जाता है टेल मी गोल्डन क्रॉप सो गोल्डन क्रॉप अगर कभी भी आपको पेपर में पूछा गया इट इज रिलेटेड टू योर इट इज रिलेटेड टू योर विच बीन हेंड भी दे दिया मैंने मूंग बीन मूंग बीन ठीक है मूंग बीन ठीक है सी ऑल दिस पॉइंटर्स आर रियली वेरी वेरी इसेंशियल एज वेल एज इंपॉर्टेंट जो कि आपका क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे ठीक है अब आपको सॉइल तो पता होगा वी ऑल नो सॉइल

क्लियर नेक्स्ट इज इरीगेशन इंडिकेटर इन शुगर केन अगर आप शुगर केन प्लांटेशन करते हो तो वहां पर इन इंडिकेटर केन प्लांटेशन विच विल एक्ट एज एन शुगर केन इंडिकेटर कौन सा क्रॉप है जो आप शुगर केन के साथ लगाकर आपको इरीगेशन पता लगेगीट क्रॉप इज कॉल्ड एज बनाना ठीक है अगर आप बनाना लगाते हो शुगर केन के साथ तो वहां पर आप शुगर केन इंडिकेटर आपको पता लग जाएगा कि शुगर केन में इरिगेशन कितना हुआ है ठीक है देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू योर मैंने अभी देखा है दैट दिस ईयर ईयर एज एज वेल प्रीवियस ये जो सर्ज इरिगेशन है ना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्ज इरिगेशन सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्ज इरिगेशन व्हिच इज द पर्सनालिटी रिलेटेड टू सर्ज इरिगेशन एंड हु हैज गिवन द टर्म सर्ज इिगेशन कौन बताएगा कौन बताएगा सो द टर्म सर्ज इिगेशन हैज बिन गिवन बाई जी ई स्ट्रिंग गम जी ई स्ट्रिंग गम ओके क्लियर है नेक्स्ट फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हु इज फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कौन है कौन बताएगा हु इज कॉल्ड एट फादर ऑफ सॉइल सेक्शन में बताओ वेरी सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स विच यू ऑल शुड बी नोइंग सो द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स इज कार्ल टेजागी ठीक है कार्ल एंजागी नो व इज द फादर ऑफ सॉइल साइंसेस यही तो था पूरा गेम सॉइल साइंसेस का फादर वीवी डोकुचेव है ठीक है नेक्स्ट फैट परसेंटेज फैट परसेंटेज इन बाजरा कितना होता है बाजरा में फैट परसेंटेज कितना होता है बाजरा क्रॉप में सिमिलरली बाकी के जितने भी आपके ऑयल सीड्स है और खास करके मिलेट्स है बाजरा का पूछा है ठीक आई होप यू रिमेंबर दिस विच इज द टाइप ऑफ द सॉइल विच इज नोन एज मल्टी न्यूट्री एन डिफिशियंट सॉइल किसको कहा जाता है ये एक ऐसे ही जस्ट मुझे याद आया मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कौन सी सॉइल को कहा जाता है मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डेफिशियंट सॉइल सनी त्रिपाठी सेवन टू नाइन परसेंट नहीं बाजरा में फाइव परसेंट ठीक है फाइव परसेंट आप लिख सकते हो मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिफिशियंट सॉइल विच इज दैट सॉइल कौन बताएगा इट इज लैटरेट सॉइल ठीक है, इट सॉइल को कहा जाता है मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंट सॉइल कितने पॉइंट हुए याद रखना आई थिंक हमारा एटीन चल रहा है ठीक है यस वेरी गुड सनी शाबाश। देन एक इंपॉर्टेंट पूछूंगा क्वेश्चन एचबी वन हाइब्रिड ये जो बाजरा की वराइटी है इट हैज बीन फॉर्म बाय क्रॉसिंग ऑफ विच टू क्रॉप एच बी वन हाइब्रिड वराइटी ऑफ बाजरा किस क्रॉप्स की यहां पर क्रॉसिंग की गई है एंड दिस हेज बीन आस्ट इन यूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने राइस या आई थिंक uh, उन्होंने पूछा है द क्रॉसिंग ऑफ टू हाइब्रिड वराइटीज एंड विच इज द नेम ऑफ द वराइटी ये पूछा है दिस इज दैट्स दैट आई एम आस्किंग दिस मैं एक बार हिंट देता हूं वन ऑफ द क्रॉप इज टी आई एफ टी ठीक है वन ऑफ द क्रॉप इज टी आई एफ टी आई एफ टी ट्वेंटी थ्री इन टू सेकेंड क्रॉप कौन सा है बताओ लैट्रिट सॉइल बिकॉज इसका सारा न्यूट्रीट लीच हो जाता है रेनफॉल की वजह से वेरी गुड करेक्ट आंसर टी आई एफ टी ट्वेंटी थ्री एंड बी आई एल थ्री बी ठीक है सो दिस इज द क्रॉसिंग विच गिव यू एच बी वन हाइब्रिड ऑफ बाजरा नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें देन विच कंपाउंड और विच केमिकल सबस्टेंस इज कॉल्ड एज बिल्डर्स लाइम कौन बताएगा ये बिल्डर्स लाइम किसको कहा जाता है सिंपल है यह क्वेश्चन तो सिंपल है ये वन लाइनर तो सिंपल है, तो है आप सबके लिए कमॉन कोई आंसर नहीं दे रहा स्लेक्ट लाइम को कभी भी बिल्डर्स लाइम कहा जाता है स्लेक्ट लाइम को बिल्डर स्लाइम कहा जाता है एक और एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी जस्ट दिस इज ऑल्सो समथिंग विच केम इन टू माई थॉट द स्टडी ऑफ फ्रेश वॉटर स्टडी ऑफ फ्रेश वॉटर वॉट इज इट कॉल्ड कौन बताएगा ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ फ्रेश वॉटर किसको कहते हैं यस ये सहोत्रिक सही है स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर को क्या कहते हैं कैन एनी टेल वेरी गुड बर्जू लिम्नोलॉजी कहते हैं लिम्नोलॉजी वेरी गुड नाइस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सही है बढ़िया नेक्स्ट यस देन कम्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में यह मैं पूछूंगा आपको मुझे एग्जाम्पल देने दो चीजें कंफ्यूजिंग है एक होता है विच वीड और एक होता है विच ग्रास एक होता है विच वीड, एक होता है विच ग्रास सो वॉट इज आउट ऑफ इट विच वीड होता है कि विच ग्रास होता है सो स्ट्रिगा इज योर वीड ठीक है और विच ग्रास का आपका क्या होता है एग्जाम्पल कौन बताएगा एग्रो पेंस एग्रोप आयरॉन रिपेन्स ठीक है आई होप ये आपको पता हो ठीक है देन नेक्स्ट इज सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ये इंस्टीट्यूशन कौन से लोकेशन पे लोकेटेड है विच लोकेशन दिस इंस्टीट्यूशन इज देयर वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी फर्टिलाइजर्स के कंटेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्ट है. है? है लेकिन क्या आपको विच ग्रास पता है ये आपका था. दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकते वेरी गुड वेरी गुड सनी सी एफ क्यूसी सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल इज लोकेटेड एट फरीदाबाद ठीक है फरीदाबाद में ये आपका ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ ठीक है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए देन नाउ के मोबाइल ओके के मोबाइल ठीक है आई होप आपको यह पता हो के वॉट इज के मोबाइल ओके सो के मोबाइल इज अ बायो फर्टिलाइजर ठीक है के मोबाइल बायो फर्टिलाइजर है इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूटोरिया ओर फ्रूटोरिया ओ रैन टिया ये आपका बायो फर्टिलाइजर है करंट अफेयर्स में ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था दैट इज वाई यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस नाउ धिस बायोफर्टिलाइजर इज असोसिएटेड विथ विच न्यूट्रियट आपका फॉसफरस आपका फॉसफरस ठीक है आई होप आपको ये एटलीस्ट बताओ ठीक है नेक्स्ट देन एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज लाइसीमीटर दैट इज लाइसीमीटर तो यू हैव टू टेल मी लाइसीमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग वॉट क्या मेजर करने के लिए यूज होता है एंड विच इज द केमिकल कंपाउंड यूज इन लाइसीमीटर बताओ जल्दी यस फॉस्परस से रिलेटेड है आपका कीर्ति वर्मन इज करेक्ट लाइसीमीटर का यूज होता है आपका यूपो ट्रांसपीरेशन मेजर करने के लिए एंड द केमिकल विच इज यूज इज सी एल टू ठीक है जिंक क्लोराइड आपका यूज होता है देन ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट अंसेप्ट वी आर गोइंग टू सी लुक टू द लैंड लुक टू द लैंड ये बुक किसने लिखा है हु हैज रिटर्न दिस बुक लुक टू द लैंड एनीबॉडी यस एनीबॉडी सो नॉर्थ बोर्न हैज रिटर्न द बुक लुक टू द लैंड अब और एक चीज मुझे बता दो विच इज द मीन मीन आपको पता ही होगा मैथमेटिकल मीन सो विच मीन ज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बैक्टेरियल ग्रोथ द बैक्टेरियल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन बैक्टीरियल ग्रोथ और सेल डिवीजन ये समझने के लिए कौन सा मीन यूज किया जाता है कैन एनी बडी टेल इट इज जियोमेट्रिक मीन अगर किसी को पता नहीं है तो प्लीज इट इज जियोमेट्रिक मीन देर इज अ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन वन लाइनर्स में बस मैं इन्हीं पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं ठीक है धिस इज बिकॉज धिस आर फ्रॉम योर वेरियस एडीओज एंड जी आर एफ एग्जाम ये आपके बहुत सारे एडीओ और जी एग्जाम से है जो कि अब तक एफओ में कभी भी पूछे नहीं गए इट हैज बीन नेवर आस्क्ड इन एफओ एग्जाम एंड दैट इज व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच क्वेश्चंस टू बी डिफिकल्ट एंड कम अप इन एग्जाम इज वेरी वेरी हाई सो यू डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन नाउ एग्जाम देके आओगे एट दैट टाइम यू विल नो व्हाई दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट दिस टर्म वाज कोटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट ये जो टर्म ही है ये किस बदने ने दी है एनीबडी सो इट हैज बीन गिवन बाय नोमिस एंड शुल नोमिस एंड शुल आई होप ये आपको पता हो ट्वेंटी नाइन्थ से इफ यू आर वट एवर आई एम राइटिंग वन लाइनर इफ यू नो इट आप कमेंट सेक्शन में लिखो मैं यहां पर कमेंट्स आपके पढ़ ही रहा हूं ठीक है सो आई कैन रीड द कमेंट्स एंड आई कैन डेफिनेटली लाइक गिव द एंसर्स टू यू ठीक है यस yes. अब और एक चीज देखते हैं एंटीसीपेज मटेरियल एंटीसीपेज मटेरियल वॉट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीपेज मटेरियल क्या आप बता सकते हो पहला मैं बता देता हूं सिंपल सा एन ए टू सीओ थ्री चलो मैं दूसरा भी मैं ही बता देता हूं एन ए सीएल टू ठीक है बोध आर वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट अलिकाना दिव्या वेरी गुड बेंटोनाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यही मैं अभी लिखने वाला था एंटीसीपेज मटेरियल में बेंटोनाइट आता है एंड बेंटोनाइट हैज बीन इन वेरियस एग्रीकल्चरल एग्जाम्स तो मेक श्योर यू आर नोइंग दिस ओके नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछूंगा अभी ठीक है सो आपका जो लेदर ओके सो वॉट एवर लेदर इंडस्ट्री इज देर इन दैट लेदर इंडस्ट्री यू प्रिजर्वेशन ऑफ लेदर वेन यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ओके च क्रॉप इज यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ रोगन ओके सो विच क्रॉप इज यूज फॉर प्रिपेरेशन ऑफ रोगन दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ योर लेदर मटेरियल और लेदर क्लोद एंड योर वॉटर प्रूफ क्लोध तो इसके लिए कौन सा क्रॉप यूज किया जाता है कैन एनी बी डिटेल तो रोगन के लिए विच क्रॉप इज यूज इट इज ठीक है सो वॉटर सैफ फ्लावर सो वॉटर प्रूफ क्लोथ लेदर मटेरियल इसको यहां पर उसका रोगन रिजर्वेशन मतलब कॉन्कॉक्शन बनाने के लिए आपका सैफ्लावर यूज किया जाता है ठीक है देन एक इंपॉर्टेंट अदर एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू सी इफ इन दॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस soil may in any type of soil types of soil if organic matter increases then automatically your iron and boron will increase your iron and boron will increase similarly as there are increase in certain nutrients as the water or organic matter sorry organic matter would be added into the soil some nutrients will increase some nutrients will decrease

These all elements decrease when organic matter increases. When organic matter increases, iron and boron increases. Ok. Yes, zinc decreases. Very good. Bulk and particle density decreases. Yeah, bulk and particle density decreases. That too we know only. Ok. Next. We we'll look at 32. We we'll look at. थर्टी टू ओके नाउ यू हैव टू टेल मी विच इज दिस वरायटी ओके विच वरायटी इज दिस एसोसिएटेड विथ टी ट्वेंटी वन वरायटी इट इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप ठीक है टी ट्वेंटी वन सेकेंड रशियन जायंट टी ट्वेंटी वन रशियन जॉंट एसोसिएटेड विथ वॉट विच वायटी कौन बताएगा कम ऑन इट्स ईजी ओके झिंक इंस्टेंटली आंसर कोई दे नहीं पा रहा है आई नो दैट दीज आर सर्टन क्वेश्चन विच सम वुड बी वेरी रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट टी ट्वेंटी वन वराइटी इज रिलेटेड टू अरहड अरहण की दाल होती है ना दैट इज टी ट्वेंटी वन एंड यूर रशियन जायट इज रिलेटेड टू काउपी ठीक है ओके नेक्स्ट ओके देन सोल्ट इंडेक्स सॉल्ट इंडेक्स वाई सॉल्ट इंडेक्स इज यूज यह बताना है आप सबको एंड विच इज द कंपाउंड विच इज यूज इन सोल्ट इंडेक्स एज ए स्टैंडर्ड सॉल्ट स्टैंडर्ड सॉल्ट पहले तो यह बताओ सॉल्ट uh, इंडेक्स होता क्यों सॉल्ट इंडेक्स कौन बताएगा ए सी एल इज यूज हाँ बहुत बहुत स्मार्ट हो आप नो एन एस एल इज नॉट यूज देर आर वेरियस अदर सॉल्टो दॉल्ट यूज इट इज इट इज एन एन ओ थ्री ठीक है वेरी गुड एक्जेक्टली बर्जू बोरा एक्सीट एक्सिलेंट इरीगेशन वॉटर हार्मफुल और नॉट इरिगेशन वाटर हार्मुल और नॉट वेरी गुड दैट इज करेक्ट सॉल्ट इंडेक्स को इसीलिए यूज किया जाता है कि इरिगेशन वाटर आपका ठीक है कि नहीं ठीक है नेक्स्ट ओनियन लिफिंग किसकी वजह से होता है कौन बताएगा ओनियन लिफिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ विच ओनियन लिफिंग कम ऑन टेल धिस ये तो सिंपल है ओनियन लिफिंग किसकी वजह से होता है ठीक है देन टॉप सिकनेस टॉप सिकनेस यह किसकी वजह से होता है और टॉप सिकनेस इन विच ऑफ द क्रॉप टॉप सिकनेस ऑकर्स आई टेल यू दिस इन टोबैको इट ऑकर्स

ठीक थर्टी सेवन नाउ और एक एब्रीवेशन एस टी सी आर विच इज सॉइल टेस्ट क्रॉप अप्रोच एस टी सी आर अप्रोच होता है हु ऑज द पर्सन हु हुज गिवन दिस एस टी सी आर अप्रोच कौन बताएगा एस so, stcr सी आर अप्रोच हैज बीन गिवन बाय रामामूर्ति ठीक है ये और एक इंपॉर्टेंट चीज थी तो आई फेल्ट ऑफ शेयरिंग दिस ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आयोडीन वैल्यू आई होप आपको पता हो व्हाट इज आयोडीन वैल्यू सो आयोडीन वैल्यू व्हाट डज आयोडीन वैल्यू मीन्स आयोडीन वैल्यू टेल्स यू द डिग्री ऑफ अनसेन ठीक है से हमें पता लगता है आयोडिनेशन आयोडीन वैल्यू से आप determine कर सकते हो कि कौन सा आपका है 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 ठीक वेरी इंपॉर्टेंट द कंसेप्ट विच इज एसोसिएटेड विद आयोडीन वैल्यू एंड आयोडीन वैल्यू डिटरमाइन होता है बाय द मास ऑफ आयोडीन इन ग्राम्स मास ऑफ आयोडीन इन ग्राम्स ठीक है अगर आयोडीन वैल्यू आपकी ठीक है अगर आपकी आयोडीन वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 150, इट इज ग्रेटर देन 150, फिफ्टी देन दैट वुड बी कॉल्ड एज ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल एंड द एग्जाम्पल इज लिन सीड लिन अगर आपकी आईवी वैल्यू ठीक है इट इज बिटवीन 125 ट्वेंटी फाइव टू वन देन इट वुड बी कॉल्ड एज सेमी ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राई ऑयल ठीक है एंड द एग्जाम्पल बी सोयाबीन एंड सनफ्लावर एंड इफ यू आर आईवी वैल्यू ठीक है इफ इट इज लेस देन 125 ट्वेंटी फाइव

समझा डिटरमाइन फैट एंड ऑयल यस करेक्ट डिटरमिनेशन ऑफ फैट एंड ऑयल नाउ सम ऑफ द क्रॉप विल बी लुकिंग एट एंड सम समिव स्टेजि विल बी लुकिंग एट ठीक है क्रॉप्स और उनकी सेंसिटिव स्टेजेस सेंसिटिव स्टेजेस ठीक है तो पहला क्रॉप जो हम डिस्कस करेंगे यहां पर वो है ओनियन फिर उसके बाद है आपका मेज फिर उसके बाद है आपका सनफ्लावर ठीक है आपका है सनफ्लावर और फिर है आपका राइस व्हीट भी लिख देते सही है नाउ अभी कमेंट सेक्शन में यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेंसिटिव स्टेज ठीक है अब ओनियन में अगर आप देखते हो तो क्या होता है बल्ब फॉर्मेशन ठीक है ओनियन में बल्ब फॉर्मेशन ये आपकी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट भी लिख सकते हो ठीक है ओनियन में बल्ब फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट मेज में क्या होता है कैन यूनि डिटेल मेज में ये yes, व्हीट में आपका हाँ ये तो व्हीट रटा पड़ा है क्राउन रूट इनिशिएशन तो ठोक दो ठीक है टेल मी द थिंग्स इज अबो मेज में क्या होता है बताओ मेज में एक मैं आपको बताता हूं इट इज डेवलपमेंट आर बी राइट राइटर पॉड डेवलपमेंट होता है मेज में है कि नहीं अपार्ट फ्रॉम पॉड डेवलपमेंट क्या होता है पॉड डेवलपमेंट तो है ही है मेज में उसके साथ साथ पेग पेनेट्रेशन भी पेग पेनेट्रेशन भी आपका मेज में है ठीक है देन सनफ्लावर में क्या है सेंसिटिव स्टेज कौन बताएगा कम ऑन क्विकली बताओ यार क्या क्या आंसर दे रहे हैं यहां पर ओके सनफ्लावर okay, में हेड फॉर्मेशन कह रहे कोई तो इट्स माई मिस्टेक मेज में अगर आप देखते हो तो टैसलिंग टैसलिंग होता है मेज में ठीक है सॉरी सॉरी टैसलिंग होता है मेज में ठीक है ग्राउंडनट यहां पर मैं लिखना ही भूल गया ठीक है ग्राउंडनट में होता है पेग पेनेट्रेशन एंड पॉड फॉर्मेशन ये ग्राउंडनट का है ना पेग पेनेट्रेशन पॉड फॉर्मेशन ग्राउंडनट में पॉड डेवलपमेंट होता है ये ग्राउंडनट का है प्रियंका वेरी गुड यस वेरी गुड यस गलती से ये यहां पर ग्राउंडनट मैंने यहां पर लिखा था वो मैंने मिस कर दिया यहां पर लिखना ठीक है मेज में होगा टैसलिंग ठीक है मेज में टैसलिंग होता है एम आर राइट और नॉट सनफ्लावर में हेड फॉर्मेशन करेक्ट है ये हेड फॉर्मिंग करेक्ट है करेक्ट है सनफ्लावर में हेड फॉर्मेशन सही बात है टेस्लिंग के साथ साथ सिल्किंग भी होता है सिल्किंग आई होप अगर आपको पता है कि मेज में टेस्लिंग एंड सिल्किंग आएगा वीट में पहले लिख दिया ऐसी है. राइस में बताओ क्या होगा इज देर हु कैन या अलोंग विद हेड फॉर्मिंग अर्ली सीड ठीक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर वेरी गुड धरिनी पिनाकल इनिशिएशन इज इन राइस ठीक है सो अर्ली सीड या फिर ग्रेन फिलिंग ये भी आपका सनफ्लावर से रिलेटेड है अलोंग विथ हेड फॉर्मिंग राइस में होता है पिनेकल धरनी ने जो बताया पिनेकल इनिशिएशन सो दिस आर द सेंसिटिव स्टेजेस ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रॉप ओनियन ग्राउंडनट मेज सनफ्लावर राइस एंड व्हीट आई होप कि यहां पर आपको ये भी पॉइंट पता लगा है ठीक है नाउ नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे क्रॉप एंड देर सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो अभी मैं टेबल ही निकाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो ठीक है वरना मैं क्रॉप मिस कर दूंगा पहला हम डिस्कस करेंगे मस्टर्ड के बारे में ठीक है फिर ओनियन पोटैटो ले लेंगे चलो कैरेट भी ले लेंगे दो लाइव टेस्ट में आज हमने कैरेट का सीख ही लिया था ठीक है बट विल टेक इट स्टिल यस ऑन जल्दी जल्दी बताना इसके आंसर अगेन इंपॉर्टेंट टेबल हाँ इस क्रॉप के बारे में लिख देते चलो देखो फील्ड क्रॉप्स का सीड मल्टीप्लीकेशन रेशो आपने देखा ही होगा राइस का सबको पता होता है व्हीट का सबको पता होता है आई हैव जस्ट टेकन द एग्जांपल्स ऑफ दिस वी कैन आल्सो ऐड मोर मस्टर्ड का कितना होता है कौन बताएगा मस्टर्ड का होता है वन इज टू हंड्रेड ठीक है फिर ओनियन का कितना होता है वन इज टू वन सेवेंटी वन ठीक है इसका पोटैटो का कितना होता है वन इज टू नाइनटी वन अगर मैं गलत हूं तो बता देना ठीक है सॉरी वन वन इज टू नाइनटीन नॉट नाइनटी वन नाइनटीन वन इज टू नाइनटीन किसका होता है पोटैटो का होता है रट का हमने आज ही टेस्ट में देखा वन इज टू एटी थ्री सही है कि नहीं है कि नहीं सही एंड कुकुम्बर का होता है वन इज टू टू हंड्रेड आई होप हियर ठीक है किसका किसका कंफ्यूजन है पोटैटो वन इज टू फोर लिख रहा है कोई तो ना 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 पोटैटो का वन इज टू नाइनटीन है ओनियन वन इज टू फिफ्टी लिखा था किसने नहीं वन इज टू सेवेंटी वन सेवेंटी वन आर दिस करेक्ट सोर्स क्या है इसका कैन एनीबडी टेल इसका सोर्स क्या है अगर इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू प्रिपेयर फ्रॉम वेर यू कैन प्रिपेयर टी एन ए यू ठीक है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पे जाओ एंड यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस पीज का वन इज टू नाइनटीन या पीच का वन इज टू नाइनटीन दट इज करेक्ट ओके देन नेक्स्ट इज वन ऑफ द लास्ट पार्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑलमोस्ट हम फोर्टी फिफ्थ पॉइंट पे आ चुके हैं राइट सो वन ऑफ द नेक्स्ट थिंग इज वन बॉल यूनिट मतलब क्या होता है बॉल वन बॉल यूनिट क्या होता है वन बॉल यूनिट कौन बताएगा वॉट इज वन बॉल यूनिट री करो सर पोटेटो का टी यू में ही वन इज टू फोर दिया है ओके लेट्स क्रॉस चेक एक काम करते हैं क्रॉस चेक करते हैं पोटेटो का कितना दिया है जस्ट मेक श्योर पोटेटो एवरीबडी क्रॉस चेक इज इट वन इज टू नाइनटीन और वन इज टू फोर एवरीबडी प्लीज क्रॉस चेक ठीक है सी आई कैन बी रॉन्ग मुझे जो दिमाग में मतलब मैंने जो पढ़ा है कभी कभार मिस्टेक्स हो सकते हैं देख लिया ना ग्राउंड नट में तो, भी तो मिस्टेक किया था मैंने ठीक है सो वन बॉल यूनिट इज नथिंग बट हाउ मच एनपी के फर्टिलाइजर इन पाउंड यू रिक्वायर सो टू इंक्रीज योर टोटल प्रोडक्शन बाय फिफ्टी परसेंट ऑफ योर ईड और सो हैचीव फिफ्टी परसेंट ऑफ योर ईड यील्ड 50 परसेंट अचीव करने के लिए एनपी के फर्टिलाइजर आपको कितना चाहिए यह आपका एक बॉल यूनिट होता ठीक है आर आरवी क्लियर ईयर ओके, सी सम मोर फैक्ट्स ठीक है और थोड़े फैक्ट्स देखेंगे अभी बट विल सी देम वेरी वेरी फास्ट ठीक है और थोड़े फैक्ट्स देखते हैं अभी चाफिंग वट डाफिंग मीन्स चैफिंग वॉट इज इट एसोसिएटेड विथ कौन बताएगा कटिंग एंड चॉपिंग ऑफ फॉर्डर क्रॉप्स वेरी गुड चाफिंग इज नथिंग बट कटिंग एंड चॉपिंग ऑफ फॉर्डर क्रॉप्स ठीक है इफ द रेनफॉल इज बिलो सेवन फिफ्टी एम एम दैन विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज दिस इफ द रेनफॉल इज बिलो से फिफ्टी एम एम विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज दिस ड्राई लैंड देखो किसने गलती कर दी सो बिलो सेवेंटी फाइव इट इज ओनली कॉल्ड एज ड्राई फार्मिंग इट इज कॉल्ड एज ड्राई फार्मिंग ठीक है नेक्स्ट 50 करेंगे फिफ्टी वन लाइनर्स आई थिंक दोज आर मोर देन इनफ्टीन नाइन और ये है आपका 50, ठीक है उंबले चेरी, दिस कैटल इज एसोसिएटेड फ्रॉम विच लोकेशन उम्बलेचेरी लोकेटेड फ्रॉम विच लोकेशन लोकेशन पूछा है काव काव सबको पता है उम्बलेचेरी लोकेशन बताओ टू स्टेट्स यू कैन टेल तमिलनाडु केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर मेन प्रॉमिनेंट तमिलनाडु एंड एपी ठीक है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फोर्टी नाइन पॉइंट टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ ड्यूअल परपजेस कैटल एंड मिल्च कैटल मुझे अभी के अभी एग्जांपल्स बताओ वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूअल पर्पज एंड मिल्च कैटल एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज नाबार्ड इस्टैब्लिश दो लास्ट के वन लाइनर्स आपके लिए एक एक आंसर मत दो ड्यूअल पर्पज मिल्च एक ही कमेंट में बताओ नाबार्ड वॉज इस्टिश वेन गीर रेड सिंधी आर मिल्च कैटल्स वेरी गुड एक्सेलेंट ड्यूअल आर थापरकर हरियाणा वेरी गुड करेक्ट सो मेक श्योर दैट यू नो वॉट कैटल्स मेक श्योर यू नो वॉट आर ड्यूअल पर्प कैटल्स मेक श्योर यू नो वॉट आर ड्रॉट मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रॉट कैटल्स एंड नाबार्ड वॉज इस्टैब्लिश इन ट्वेल्थ ऑफ जुलाई नाइनटीन एटी टू ठीक है नाइनटीन

recommendation of which committee your kcc came into being because of the recommendation of which committee your krishi vigyan kendras came into being because recommendation of which committee doubling your farmers income came under the chairmanship of विच कमिटी ये सारे पॉइंट्स अभी आप बताओगे सी आई वॉज गोइंग टू एंड द सेशन बट देर वॉज सनी जिसने फिर से यहां पर केसीसी रिलेटेड टू आर बी गुप्ता केवी केवी के के रिलेटेड टू कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे डायरेक्टली नाम मत उछालो नाबार्ड लिखो नरसिम्बन कमिटी केवीके लिखो केसीसी लिखो एंड देन डबलिंग योर फार्मर्स इनकम भी लिखो हाउ हाउ वन विल अंडरस्टैंड डायरेक्टली कमेंट्स आई हैव आस्ट मल्टीपल क्वेश्चन फोर आई हैव श्योर यू गो थ्रू ऑल द रिकमेंडेशन कमिटीज एंड देर चेयरमैन सी रंगराजन कमिटी इज नीदर द आंसर ऑफ एनी ऑफ द सो प्लीज क्रॉस वेरीफाई डबलिंग द फार्मर्स इनकम ये सी रंगराजन कमिटी नहीं है ठीक है सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम गाइड्स विल मीट नेक्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट सेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड यूर महामेराथन सो बी प्रिपेयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मैराथन के लिए हम आएंगे और मल्टीपल क्वेश्चन लेंगे उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा रैदर इट वुड बी जस्ट क्वेश्चन 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 और हम कुछ नहीं करेंगे बस क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे ठीक है थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम